हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यूट्यूब में अगर आप काम करना चाहते हैं, यूट्यूब से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ आपको कंपलसरी किया जाता है, यूट्यूब में कैसे वीडियो अपलोड किया जाता है, कैसे काम करेंगे, चैनल कैसे बनाएंगे और कौन कौन सा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, पीसी के लिए कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, थंबनेल कैसे बनाएंगे, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो यह वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप यूट्यूब खोलने से पहले आपको सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास पीसी है तो आप अपने पीसी के माध्यम से भी यूट्यूब वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से भी आप यूट्यूब वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। अंतर यही है कि आप मोबाइल से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आप पीसी से करते हैं तो थोड़ा फास्ट होता है। तो मोबाइल से अगर आप चाहते हैं करना तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है जो कि आपको एक्स रिकॉर्डर, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर आपको आता है, मोबाइल का स्क्रीन जो होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्क्रीन जो है इस सब पूरा साइज का रिकॉर्डिंग करेगा। या AZ एप्लीकेशन भी आता है, वह भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उस माध्यम से भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसका फ्रेंड्स आता है आप काइन मास्टर, जो कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए, जो कि काइन मास्टर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, इस एप्लीकेशन को भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थंबनेल बनानी है, तो थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सलैब या पिक्स आर्ट, इस दोनों एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा कि आप थंबनेल कैसे बनाएंगे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एडिटिंग कैसे करेंगे। तो यह तीनों एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास पीसी है तो पीसी के लिए आप दो एप्लीकेशन बेस्ट है जो कि फिल्मोरा एंड कैमटासिया। तो ये दोनों एप्लीकेशन हैं, ये दोनों में वीडियो एडिटिंग भी होता है, साथ ही साथ इस दोनों एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया होता है। यह दोनों एप्लीकेशन को आप परचेज करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। 1 मंथ के लिए आप ट्रायल ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप सीख जाएंगे तो आप उसे पैड करके पैड वर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ मोबाइल में आप लैपटॉप पर इंस्टॉल हो जाने के बाद सबसे पहले आपको एक ईमेल ID क्रिएट करना होगा, जो कि ईमेल ID आप गूगल में जाएंगे और बना लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ईमेल ID बनाएंगे और उस ईमेल ID को आप सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, यानी कि आप कोई भी चाहे बंदा आपका ईमेल ID को हैक करना चाहे या पासवर्ड चेंज करना चाहे तो आपके बिना परमिशन का चेंज नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको एक ईमेल ID बना लेंगे, उसको आप लॉक लगा लेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, जो कि लंबा वीडियो बनने वाला है, आपको चैनल कैसे क्रिएट करेंगे। यह दोनों स्टेप मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे जैसे आप बताएंगे, मैसेज करेंगे कि किस पर मैं आपको वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 वीडियो देखना होगा, उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपको ईमेल ID कैसे क्रिएट करनी है और चैनल को कैसे सेटिंग करनी है, कैसे बनानी है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड में आपको 3 लाइन बिंदु का आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरह का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाएगा डेस्कटॉप मोड। तो डेस्कटॉप मोड पर टिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप मोड में आपका मोबाइल चला जाएगा। उसका फ्रेंड्स यहाँ पर आप सर्च करेंगे जीमेल एंड सर्च कर देंगे। सर्च करते फ्रेंड्स आपके सबसे टॉप में आ जाएगा जीमेल का क्रिएट करने का लिंक, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर लिखने का। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, यानी कि जीमेल आपको अकाउंट बनानी है, तो यहाँ पे आप क्रिएट ए अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड एंड यहाँ पे बिजनेस पर्पज के लिए आप अपना ईमेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्रिएट योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इस बॉक्स में आपको लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना सरनेम लिखेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, सेम पासवर्ड इसमें लिखेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा मोबाइल नंबर टाइप करने का, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, वह मोबाइल नंबर जिससे कि वेरीफाई कर सके। तो यहाँ पे मैं अपना जो पर्सनल नंबर है वह नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है रिकवरी ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे ईमेल ID टाइप करेंगे। जब भी आप इस ईमेल ID का पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे इस ईमेल ID के माध्यम से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मंथ है, जो भी आपका
एज है वो एज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे जेंडर है मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मेल है तो यहाँ पे मेल सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जो कि वेरीफाई करेगा आपका मोबाइल नंबर का जो कि 6 डिजिट का होगा। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट करेंगे जो कि सेंड ऑप्शन है। सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वेरीफाई है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन आएगा जो कि क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप ऐड करेंगे ऐड माय नंबर फॉर अकाउंट सेक्रेटरी ओनली। तो यहाँ पे जो मेरा नंबर है, जब भी यह ईमेल आईडी किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन होगा तो मेरे नंबर पे वेरिफिकेशन जाएगा, ओटीपी जाएगा, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डन ऑप्शन है, डन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि YouTube हिस्ट्री, यानी कि इस ईमेल आईडी से जब भी कोई YouTube वीडियो सर्च करते हैं और देखते हैं तो उसका हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक रहने देंगे। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डोंट सेव माई YouTube हिस्ट्री, तो जब भी वीडियो देखेंगे वो आपको सेव हिस्ट्री में नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करेंगे तो देख सकते हैं फाइनली ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है और आपको गूगल की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा जो कि वेलकम करके, जो कि देख सकते हैं गूगल कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरे को मैसेज मिला है और मेरा नाम जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, वेलकम करके आ चुका है। और इस ईमेल आईडी के माध्यम से आपको एक यूट्यूब अकाउंट बनानी है तो उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं दूसरा न्यू टैब खोला और यहाँ पे मैं यूट्यूब सर्च किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे यूट्यूब पेज खुल चुका है और यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन, तो यहाँ पे जो लॉगिन होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने साइन इन किया तो यहाँ पे ईमेल आईडी से साइन इन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है यूट्यूब अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट ए चैनल, यहाँ पे क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अपलोड पिक्चर, तो इस बॉक्स में आप अपलोड करना चाहते हैं अपने चैनल का लोगो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेम है तो आप अपने चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो चैनल का नाम है डिजिटल विलेज इन्फो, क्योंकि यह चैनल का नाम मैंने रखा है, आप अपने मन मुताबिक यूनिक नेम रखेंगे तो मैंने यहाँ पे डिजिटल विलेज इन्फो मैंने नाम टाइप किया एंड यहाँ पे क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो इसी नेम से आपका चैनल बन जाएगा। थोड़ा देर वेट करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि डिजिटल विलेज इन्फो, चूंकि यहाँ पे नो सब्सक्राइबर, 21 सब्सक्राइबर नहीं है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे वीडियो है, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इसमें आपको शो हो जाएगा, प्लेलिस्ट जो भी वीडियो देखेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा, चैनल जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे किसी का तो यहाँ पे चैनल यहाँ पे शो हो जाएगा, अबाउट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे किस डेट में आपने ज्वाइन किया है वो डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब क्रिएट कर लेंगे चैनल तो आपको सेटिंग करनी है, वेरिफिकेशन करनी है मोबाइल से, तो यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज चैनल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे शो हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका चैनल इस तरह से सेटिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल का जो है लेआउट यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो जाएगा, ब्रांडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है पिक्चर यानी कि आपका चैनल का जो लोगो होगा तो यहाँ पे जो दिखेगा चैनल का लोगो जो बनाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लोगो बनानी है और चैनल का नाम जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप चैनल का बैनर बनाने के लिए, क्योंकि बैनर इमेज जो अपने चैनल का बैनर है आपके लैपटॉप में इस तरह से दिखेगा, डेस्कटॉप में इस तरह से दिखेगा, मोबाइल में इस तरह से दिखेगा, तो इसका बैनर आपको कैसे बनानी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसे आप बना लेंगे तो अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे देख सकते हैं लिखा हुआ है वीडियो वाटरमार्क, जब भी आपका कोई वीडियो प्ले करेगा तो उसके लास्ट में यहाँ पे शो आपका लोगो हो, उसके लिए यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं जो कि लोगो बना लेंगे, अपना यूनिक लोगो बनाएंगे, जब भी कोई आपका वीडियो प्ले करता हो उस वीडियो में आपका लोगो दिखे और कोई भी आपको वीडियो को शेयर करे तो आपका लोगो उस वीडियो में से नहीं हट पाएगा, उसके लिए यहाँ पे आप अपना वाटर मार्क दे सकते हैं। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माय चैनल है, माय चैनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना इंडियन है तो यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कीवर्ड है
जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो अपना कीवर्ड डालना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जो कि आपका चैनल का जो है सबसे टॉप में आए, तो इसके लिए आप यहाँ पे अपना चैनल का नाम डाल सकते हैं, कीवर्ड डालेंगे जो कि जब भी आप अपना चैनल को सर्च करेंगे तो सबसे टॉप में आए। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड जो कि चैनल का नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे जो है देख सकते हैं इसे कुछ नहीं करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर अपना सब्सक्राइबर को आप शो करना चाहते हैं तो अगर आप नए एक यूट्यूबर है तो यहाँ पे सब्सक्राइबर को हिडन करने के लिए यहाँ पे टिक हटा देंगे तो आपका सब्सक्राइबर जो है नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप अनटिक कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप फीचर्स एबिलिटी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड फीचर्स है जो कि नॉर्मल आपको इनेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरमीडिएट फीचर्स है जो कि जब भी वीडियो आप 15 मिनट से ऊपर आप अपलोड करेंगे या लाइव स्ट्रीम करेंगे या आप अपना थंबनेल चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पे आप टिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि वीडियो आप 15 मिनट से ऊपर डालते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करना होगा मोबाइल से, तो यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे जो आप इस्तेमाल करते हैं, गेट कोड पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, कंग्रेचुलेशन लिख कर आ चुका है। फिर से आप यहाँ पे चले आएंगे अपने YouTube सेटिंग में और यहाँ पे जो है रिफ्रेश करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एडवांस फीचर्स लेने के लिए आप फिर से इसे इनेबल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे जो है वीडियो वेरिफिकेशन और वैलिड आईडी एंड चैनल हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपको एक्सेस फीचर्स पाने के लिए आप एक्सेस फीचर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस है, जो कि फर्स्ट है जो कि यूज वीडियो इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप 30 सेकेंड का वीडियो अपलोड करते हैं कैमरा के सामने अपना फेस लाते हैं तो यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने वीडियो में कैमरा के सामने आप अपना फेस नहीं रखते हैं तो उसके लिए आप यूज वैलिड आईडी जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से वेरीफाई होना चाहिए, पासवर्ड ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप चॉइस कर सकते हैं। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्ड चैनल हिस्ट्री, तो यहाँ पे बिल्ड चैनल हिस्ट्री पे क्लिक करके आप अपना चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप फेस के साथ अगर रखना चाहते हैं वीडियो तो इसे आप क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे गेट ईमेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डन करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, क्योंकि आप अपने ईमेल आईडी को ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक मेल प्राप्त होगा जो कि आपको वेरीफिकेशन करना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनबॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे है जो आ चुका है मेल और YouTube की तरफ से और यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड जनरेट होगा, इस QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर लेंगे और विजिट करेंगे इस साइट पे और वेरीफाई कर लेंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा अपना डाटा वहाँ पे दे देंगे और सबमिट कर देंगे, आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो जाएगा। उसका फ्रेंड्स फिर से आप अपने चैनल पे आएंगे एंड यहाँ पे है सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी डाटा सेव किया है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। चैनल सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइटल, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो जो भी टाइटल लिखते हैं तो यहाँ पे आप पहले से लिखना लिख कर आए उसके लिए यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसे कुछ नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिख सकते हैं, जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो ऑटोमेटिक आपको लिख कर आए तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना कोई भी वेबसाइट का लिंक है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, और भी कुछ लिखना चाहते हैं या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह से आप लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे क्योंकि हर वीडियो में ऑटोमेटिक आपका डिस्क्रिप्शन लिख कर चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, आप इस ईमेल आईडी के ऑनर है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिटी में कुछ नहीं करना है इसे छोड़ देंगे, एग्रीमेंट में कुछ नहीं करनी है इसे छोड़ देंगे, क्लोज कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप अपने चैनल के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप इस चैनल पे कौन कौन सा वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में अपलोड करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ जानकारी देंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, चैनल का URL यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, इसे आप कॉपी कर सकते हैं, इस चैनल का URL आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं जो कि यह आपको चेंज करने का ऑप्शन दे देता है। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे लिंक है, ऐड लिंक है, तो आपका जो भी फेसबुक आईडी है या आपको इंस्टाग्राम है
तो यहाँ पे आप अपना ऐड कर सकते हैं उस लिंक को। जब भी आपको चैनल पे कोई भी व्यक्ति विजिट करता है तो वहाँ पे क्लिक करके ही आपको फेसबुक आईडी पे या इंस्टाग्राम पे आप ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके लिए यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल आईडी है, आपको चैनल पे जो भी ये व्यक्ति विजिट करेगा और आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी कॉन्टेक्ट करेगा तो इसी ईमेल आईडी के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाकर आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे चैनल का एनालिसिस आपको दिखेगा और यहाँ पे वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप क्रिएट करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है। लाइव आप देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सारा कुछ करने के बाद आपका चैनल एक तरह से बन चुका है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चैनल का लोगो कैसे बनाएंगे, बैनर कैसे बनाएंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।